ये तहरी बनाने के लिए हमने सारा सामान ये तैयार कर लिया है। आलू काट लिए, एक गोभी थोड़ी सी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, मटर हमने कुकर रख दिया। और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल लिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए ये हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग हम सब जो भी हम बनाते हैं सब्जी उसमें हम हींग ज़रूर डालते हैं। हींग अच्छी रहती है हींग। अब इसमें हमने प्याज और मिर्च जो काट के रखी थी उसको हमने डाल दिया। अब इसको हम भून लेंगे। एक मिनट तो लगेगा भूनने में इसको। ये देखिए हमने तब तक ये मसाला हम तैयार कर लेंगे। इसमें 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, गीला करके रख देंगे इसको। इसको हमने मिक्स कर दिया। अब ये देखिए हमारा सुनहरा हो चुका है प्याज मिर्च। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। एक टमाटर लिया था हमने, बस टमाटर के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। टमाटर डालने के बाद नमक डालेंगे। अब अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए नमक। अब इसमें हमने हरा मटर डाल दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो बताइए, हम ट्राई करेंगे। अब इसमें हमने जो सारी सब्जियां काट के रखी थी सारी इसमें डाल देंगे। गोभी, शिमला मिर्च, आलू, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको कम से कम 2 मिनट तक इसको भूंजिएगा, फ्राई कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे पूरा जो हमने कटोरी में निकाल के रखा था। अब इसको हम मिक्स कर देंगे।
ये भी कम से कम 2-3 मिनट तक भुंजने देंगे मसाले को। तो मतलब सब्जियों में सारा मसाला जी, देखिए हमारा कम से कम 2-3 मिनट हो चुका है, उसके बाद ऐसी हो गई है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने चावल ऐड कर दिए, वो आप जितने लोगों के हिसाब से बना रहे हो उतनी आप सब्जियां लीजिएगा और उतने ही चावल अपने हिसाब से ले लीजिए। सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हैं, चावल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मसाला आप जितना खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। बस इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें कलर कितना अच्छा आ रहा है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, मतलब चावल जितना हो उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए, और ना ज़्यादा रहे ना कम, मतलब हिसाब से मीडियम में अपना रख दीजिए कि गीला ना हो ये, नहीं तो चावल वो गीले हो जाएंगे। सही से पानी डालिए अपना अपने हिसाब से, कि मतलब चावल एक ही एक अलग अलग हो जाए। बस इसको हम पकने देंगे। अब दूसरी तरफ हम रायता बना रहे हैं। ये देखिए हमने मट्ठे में ये बूंदी डाल दी है गरम पानी में धुल के। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। अब तड़का लगाएंगे इसमें हम। ये देखिए इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। जीरा डालने के बाद अब हम हींग डालेंगे। हींग ऐड कर दिया इसमें हम। अब सूखी मिर्च, लाल मिर्च पड़ी थी वो भी डाल लीजिए आप 2-3, अपने मतलब जैसा अपना खाना पसंद करें वैसा डाल लीजिए आप। 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए। अब इसको भून लेंगे। ये भून जाएगा तो इसमें अच्छी से खुशबू आने लगेगी। ये देखिए हमारा भून चुका है, ये हम तड़का लगा रहे हैं। हमने तड़का लगा दिया, अभी खोल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारा रायता, बूंदी का रायता तैयार। खाइए बूंदी का रायता तैयारी।